स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की सोशियोलॉजी, और सोशियोलॉजी का जो हमारा चैप्टर नंबर 4th है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये सेकंड बुक का चैप्टर है बच्चों। तो इसमें हमने थर्ड चैप्टर तक कर लिया था, वो क्या हमारे भारत भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, ये हमारी बुक है। और चैप्टर हमारा फोर्थ ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम ग्रामीण समाज की, यानी कि ग्रामीण समाज की बात करने वाले हैं हम। तो सीधा सीधा हम बात करने वाले हैं गाँव की। आप सभी का कोई ना कोई शायद गाँव जरूर होगा, और आप अपने गाँव में गए होंगे तो आपको पता है कि गाँव में लोग क्या करते हैं। लोग गाँव में प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं, जैसे कि अपने उनकी जो रोजी रोटी चलती है, या तो वो लोग खेती करते हैं, ठीक है, या फिर वो पशुपालन करते हैं, और इसके अलावा या फिर वो मछली पालन, इसके बाद छोटी मोटी दुकानदारी वगैरह होती है कुछ के पास, और इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं मेन काम मैं आपको बता रहा था, जो मेनली काम होते हैं वो खेती, पशुपालन, मछली पालन, ऐसे कुछ काम होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं भारतीय गांवों की। आपको पता है भारत गांवों का देश कहा जाता है, और भारत में 5,93,616 से भी ज्यादा गांव हैं। इतने सारे गांव हैं हमारे भारत में, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे 2001 की जनगणना, तो 2001 की जनगणना में जो आंकड़ा आया था, उस आंकड़े उस डेटा के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग जो 72% की आबादी है, लगभग 72% लोग गांव में रहते हैं 2001 की जनगणना के अनुसार। अगर मैं यहाँ पे बात करूं 2011 की जनगणना की, तो 2011 की जो जनगणना है इसमें ये आंकड़ा सामने आया कि लगभग 60% लोग गांव में रहते हैं। तो अब आप सोचो 72% 60%, यानी कि कहने का मतलब है कि जो ज्यादातर लोग हैं भारत में वो कहाँ पर रहते हैं, वो गांव में रहते हैं। वो क्या काम करते हैं, खेती, पशुपालन, मछली पालन, अन्य कामों को करते हैं और गांव में रहते हैं। भारत में कितने गांव हैं, 5,93,000 से भी ज्यादा गांव हमारे देश में हैं, इसीलिए भारत को गांव का देश कहते हैं। तो ये तो बेसिक मैंने आपको गांव के बारे में कुछ बताया, लेकिन हमारे जो टॉपिक शुरू होंगे उसमें सारी चीजों को हमें डिटेल में जानना है। तो ध्यान से वीडियो को देखें और सारी चीजों को समझने का प्रयास करें। तो भारत गांव का देश है, तो भारत में बहुत सारे राज्यों में गांव ही गांव है। तो भारत में बहुत सारे ऐसे त्योहार हैं, क्योंकि मेन चीज जो होता है वो हमारे गांव में वो खेती होती है। तो बहुत सारे ऐसे त्योहार हैं जो फसल से संबंधित है, यानी कि फसल कटने से, फसल पकने से, फसल बुआई से, इससे संबंधित बहुत सारे त्योहार होते हैं। मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूं तो आपने पोंगल सुना होगा तमिलनाडु साइड में, ठीक है, तमिलनाडु। आपने बिहू सुना होगा असम में। आपने बैसाखी सुना होगा, बैसाखी जो पंजाब में। आपने हरियाली तीज सुना होगा, हरियाली तीज। हरियाली तीज जो होता है वो हरियाणा में होता है। तो इस तरीके से फसलों से संबंधित भी हमारे यहाँ पे त्योहार होते हैं, ठीक है। ओणम सुना होगा आपने, ओणम जो मनाया जाता है वो केरल में मनाया जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं हमारे देश में जो मनाई जाती हैं विभिन्न जगहों पे, तो इसके बारे में हम यहाँ पे बताते हैं। अब चलते हैं हम सीधा ग्रामीण समुदाय क्या है। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रामीण समुदाय क्या है, और ये केवल 2 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आपको ये बताना है कि ग्रामीण समुदाय जो होता है वो कृषि पे आधारित समुदाय होता है, यानी कि कृषि पे आधारित लोगों का समूह जो कि कृषि पे उनकी मतलब रोजी रोटी ही कृषि है, खेती पर ही वो जीते हैं। तो ये एक ग्रामीण समुदाय होता है। अब वो खेती किसी भी चीज की हो सकती है, चाहे वो दलहन करें, तिलहन करें, कपास करें, गेहूं वगैरह, एक्स वाई जेड कुछ भी बोएं, लेकिन खेती से संबंधित अगर उनकी जीवन शैली है तो वो ग्रामीण समुदाय कहलाता है। आपके सामने मैंने यहाँ पे 2 टॉपिक लिख दिए हैं। इन दोनों टॉपिक को एक्सप्लेन करने के बाद हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो पहला हम बात कर लेते हैं जाति व्यवस्था। आप सभी जानते हैं भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे जाति व्यवस्था थी, जाति प्रथा थी, और आज भी जाति प्रथा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपको पता है कि जो व्यवसाय होता था, व्यवसाय यानी काम जो होता था वो भी जाति पर ही आधारित था। आपने देखा ना, जो कुम्हार है, कुम्हार एक जाति है, और कुम्हार का काम क्या होता था, मिट्टी के बर्तन बनाना, ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाना। और इसके बाद जैसे बनिया होते हैं, बनिया जो होते हैं वो व्यापार करते हैं, दुकानदारी करते हैं। इसके अलावा सुनार हो गए, बढ़ई हो गए, ठीक है, लोहार हो गए, धोबी हो गए,
तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे जाति व्यवस्था थी और काम भी उसी के अकॉर्डिंग बटा हुआ था। एक टाइम तो ऐसा भी होता था बच्चों कि कोई मान लो कुम्हार का बेटा है तो वो कुम्हार ही बनेगा, उसके सामने ऑप्शन ही नहीं होते थे। बट आज के टाइम पे जाति जो है, जाति प्रथा में थोड़ी सा परिवर्तन आया है। अब कुम्हार का बेटा भी एक बड़ा दूसरे बड़े काम में जा सकता है और सबके सामने मतलब अब समानता का अवसर है एक तरह से देखें तो। पहले जैसा बंधन नहीं रहा, लेकिन अभी भी बहुत सारी कमियां हमारे समाज में है। तो ये जाति व्यवस्था जो थी आपको समझा दिया। अब बात करते हैं कृषिक संरचना। क्या होता है कृषिक संरचना, आपको ये समझना है। तो कृषिक संरचना की बात कर लेते हैं। देखो भाई, हमारे सामने दो तरह के लोग हैं। एक तरह के लोग तो ऐसे हैं जिनके पास जमीन है, जिनके पास जमीन है। दूसरी तरह के लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन ही नहीं है, ठीक है। यही कृषि संरचना का एक एग्जाम्पल है, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। गांव वगैरह में आप देखोगे कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास खुद की जमीन होगी, मालिकाना हक होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास खुद की जमीन नहीं होगी, लेकिन वो मजदूरी के तौर पे दूसरों के खेत में काम करते होंगे, ठीक है। तो ये है, आपको पता है हमारा समाज जो है, हमारा समाज पितृसत्तात्मक समाज था, यानी कि पिता की संपत्ति पर उसके बेटों का अधिकार होता था, बेटियों का अधिकार नहीं होता था। तो जो जमीन जाती थी वो बेटे के हाथ में जाती थी, ऐसा ये सिस्टम चलता आ रहा था। तो जाति प्रथा में भी अगर आप ऐसा देखोगे कि गांव वगैरह में देखते हैं तो कुछ प्रबल जातियां होती हैं, जिनको प्रबल जाति बोलेंगे, जो अमीर जाति समझ लो, उनके पास जमीन, बहुत बड़ी जमीन का मालिकाना हक होता है, आप उसको जमींदार भी कह सकते हो, ठीक है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग जाति के लोगों के पास अलग अलग तरह की जमीनें होती थी, कम ज्यादा होती थी। किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन होती थी तो किसी के पास बहुत कम जमीन होती थी, तो किसी के पास जमीन बिल्कुल भी नहीं होती थी। इसी को हम कृषि संरचना के तहत पढ़ते हैं। तो ये सारी बेसिक बातें बता रहा हूँ आपको, सपोर्टिंग भी पढ़ना है, आप एनसीईआरटी भी पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी भी पढ़ लें। मेनली जो मैं वीडियो बना रहा हूँ एनसीईआरटी और सपोर्टिंग को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ। मैंने आपके सामने कुछ नाम लिखे हैं, ये ऐसे नाम है, ऐसी जातियों के नाम है जो विभिन्न राज्यों में ज्यादा जमीन जिनके पास है। ज्यादातर पंजाब में आप देखोगे जाट और सिख के पास ज्यादा जमीन मिलेगी, हरियाणा में जाट के पास ज्यादा जमीन मिलेगी, यूपी पश्चिमी यूपी की बात करें वहां पे जाटों के पास ज्यादा जमीन मिलेगी, बिहार में यादव वगैरह इनके पास ज्यादा जमीन मिलेगी, आंध्र प्रदेश में कंपास वगैरह के पास ज्यादा जमीन मिलेगी, कर्नाटक में लिंगायतों के पास ज्यादा जमीन मिलेगी। तो ये कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जिनके पास जमीनें ज्यादा हैं और ये सब कृषि कृषि संरचना के तहत आ जाती हैं चीजें, ठीक है। तो ये जमीनें जिसके पास होती है, जिसके पास ज्यादा जमीन होती है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, मैं यहाँ पे नाम नहीं लिख रहा हूँ, किसी भी जाति का हो, उसका समाज में क्या होता है, उसका प्रभुत्व ज्यादा होता है, उसका राजनीति में प्रभुत्व ज्यादा होता है, ठीक है। वो क्या करता है, गरीब लोगों का शोषण करता है, गरीबों का शोषण करता है। वो क्या करता है, बंधुआ मजदूरी कराता है, बंधुआ मजदूरी। ये सारी बातें अब नहीं होती है, बंधुआ मजदूरी वगैरह, लेकिन एक समय ऐसा था जब ये सारी चीजें ज्यादा होती थी, ठीक है। अब कम हो गई ये चीजें। आपके सामने टॉपिक लिख दिया मैंने, जमींदारी प्रथा या जमींदारी व्यवस्था। क्या होता है जमींदारी प्रथा, जमींदारी व्यवस्था, इसे समझो। हमारे देश में क्या होता था कि एक एक ऐसा व्यक्ति होता था जिसके पास बहुत सारी जमीन होती थी। मान लो एक गांव है, गांव में बहुत सारी जमीन का कोई मालिक है तो वो उस गांव का जमींदार हो जाएगा। जमींदार क्यों, क्योंकि वो जमीन अपने पास रखता था, जमीन का मालिक होता था, इसलिए उसको जमींदार कहते थे। अब क्या होता था भाई, जमींदार एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास पैसा ही पैसा है, जमीन ही जमीन है, ताकत है, सब कुछ है, रुतबा है, और उसके पास क्या है, राजनीतिक शक्ति भी है। अब ऐसे में वो क्या करता था, अपनी जमीन को, मान लो वो ये जो आपके सामने बनाए हुए उसके खेत है, अपनी जमीनों को पट्टे पे दे देता था। पट्टे पे देने का मतलब आप समझ रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि अपनी जमीनों को बटाई पे या किराए पे दे देता था। इसमें क्या करते थे, मजदूर आते थे, गरीब लोग आते थे, वो इनकी जमीनों पे काम करते थे, पूरे साल कमर तोड़ मेहनत करते थे। उसके बाद जो फसल होती थी, मान लो अगर 100 टन फसल हुई है तो उसमें से लगभग 50 टन, 60 टन, 70 टन जमींदार को मिल जाता था, और जो बाकी का बच गया 40 टन, 30 टन, जो भी बच रहा है, ये एक मजदूर का होता था। यानी कि मजदूर को कहने का मतलब है कि इतनी मेहनत करने के बाद बहुत छोटा हिस्सा मिलता था, और जमींदार जिसके पास जमीन होती थी उसे घर बैठे इतना ज्यादा प्रॉफिट हो जाता था। तो ये हमारे यहाँ पे जमींदारी प्रथा थी, और इससे क्या हुआ, बहुत सारे मजदूरों का शोषण हुआ। ये जमींदार जो लोग होते थे ये मजदूरों को क्या करते थे, ब्याज पे पैसे देते थे, ऋण देते थे। अब ये इनसे ऋण ले लेते थे, बाद में सारी जिंदगी ब्याज चुकाते रहते थे, ब्याज चुकाते चुकाते मर जाते थे, लेकिन उनका ब्याज खत्म नहीं होता था। और ये बहुत मतलब चीजें जो थी, गलत चीजें हमारे समाज में होती थी, जमींदारी प्रथा। तो जमींदारी प्रथा देखो, अब मैं आपको इसके बारे में एक और बात समझाता हूँ। यहाँ पे एक चीज समझो कि जमींदार लोग जो थे इनका समाज में बहुत रुतबा था और ताकतवर होते थे, किसान इनके मजदूर होते थे, ऐसा चलता था। होता क्या था कि अंग्रेज जब आए, अंग्रेजों ने देखा कि भाई
टैक्स लेना है हमें, अंग्रेजों का शासन है उन्हें टैक्स लेना है। अंग्रेज अब सोच रहे थे यार डायरेक्ट हम किसान से टैक्स क्यों लें, क्योंकि डायरेक्ट हम क्या करते हैं जमींदार से ले लेते हैं ना टैक्स, क्योंकि जमींदार के नीचे हैं सारे किसान सारे मजदूर, तो हम सीधा एक व्यक्ति से अगर टैक्स ले लेंगे, क्योंकि टैक्स लेने वाला व्यक्ति भी दमदार होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई लोकल आदमी ऐसे ही चला जाए और सीधा बोले टैक्स दे दो, तो उसे तो शायद वो देने से मना कर दे, लेकिन जब कोई खतरनाक आदमी जाएगा तो कोई टैक्स देने से सोचेगा भी, तो इसलिए जमींदार के जरिए वो टैक्स लिया जाता था। तो ये होता था, ये जमींदारी प्रथा समझाती है और जमींदारी व्यवस्था समझाती है। इसके बाद में आपको एक और टॉपिक समझाऊंगा, लेकिन एक रैयतवाड़ी व्यवस्था भी आपको समझा देता हूँ पहले। दूसरी व्यवस्था थी रैयतवाड़ी, रैयत का मतलब होता है किसान, रैयत कौन होता है किसान। तो इस व्यवस्था में रैयत से यानी किसान से डायरेक्ट टैक्स ले लिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, यानी डायरेक्ट टैक्स लेते थे, बीच में जमींदार यहाँ पे नहीं होता था। तो बस ये दो व्यवस्था आपको समझा दी है। अब हमें एक चीज समझनी है, समझनी हमें ये है कि जमींदारी प्रथा जो अभी हम पढ़ चुके हैं, जमींदारी प्रथा जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तब हमको ये लगा कि जो बड़ी जमीन है वो उस व्यक्ति के पास है जिसके जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है जमीन रखने में, जिसका मतलब किसानी खेती में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और एक व्यक्ति ऐसा है गरीब मजदूर है जिसके पास एक जिसकी रोजी रोटी उस खेत से चलती है, उसके पास खुद की जमीन ही नहीं है। तो ये देखा सरकार ने कि यार ये व्यवस्था तो बहुत बेकार है, फिर सरकार ने जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बताए बनाए सॉरी, और उस जमीन को बांटने की कोशिश की किसानों में, जिससे कि किसान की खुद की जमीन होगी तो वो पूरे इंटरेस्ट के साथ उसमें खेती करेगा, पूरे रुचि के साथ खेती करेगा और ज्यादा प्रोडक्शन होगा, उत्पादन ज्यादा होगा, ये सारी चीजें की गई थी। तो अभी मैं आपको ये बेसिक उस टाइम की बता रहा हूँ, आजादी से पहले ये जो व्यवस्था थी और आजादी के बाद का आपको एग्जाम्पल दे दिया। आगे चलते हैं टॉपिक पे, यहाँ समझो आप जो समझाना चाह रहा हूँ। देश आजाद हो गया है, अब मान लो अपना देश आजाद हो चुका है 1947 के बाद की बात है, 1977 प्लस। सरकार ने देखा कि जो लोग किसान हैं उनके पास जमीन नहीं है, और जो लोग किसान नहीं है उनके पास इतनी सारी जमीन है। सरकार को ये बात पता लग गई कि जब तक हम किसानों को जमीन नहीं देंगे तब तक देश का भला नहीं हो सकता। सरकार ने क्या करा, सरकार ने कहा कि जमींदारी प्रथा खत्म, जमींदारी प्रथा खत्म। लेकिन क्या जमींदारी प्रथा खत्म, कानून बना दिया गया, क्या ये खत्म हुई? हम बोलेंगे कुछ जगह पे खत्म हो गई, लेकिन कुछ जगह पे खत्म नहीं हुई। जमींदार एक ये भी सिस्टम रख दिया गया कि एक लिमिट होगी जमीन रखने की, एक लिमिट में ही जमीन रखा जा सकता है। तो इन्होंने तोड़ निकाल लिया उसका, ये क्या करते थे अपनी जमीन को किसी और के नाम पे कर देते थे अपनी फैमिली में, हो गया लो ऐसे ही। मतलब कुल मिला के सरकार ने कोशिश बहुत की, 1950 से लेके 1970 तक 20 साल तक बहुत कोशिश की भूमि सुधार करने की, बहुत नए नए तरह के कानून बनाए, लेकिन सुधार हुआ पर उतना ज्यादा नहीं हुआ जितना सरकार ने सोचा था। फायदा हुआ लेकिन उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, पर कुछ कोशिशें जरूर की गई। ये चीजें आप पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ चुके हो, हरित क्रांति। फिर क्या हुआ, 1960 की अगर मैं दशक की बात करूं, 1960 से 70 का जो समय था हमारे लिए बहुत गंभीर और बहुत खतरनाक समय था। खतरनाक समय क्यों था, देखो 1962 में हम चीन से युद्ध हारे, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, ठीक है। उसके बाद हमारे नेहरू जी मर गए, तो समझ लो ये भी नुकसान ही है। फिर उसके बाद हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी आए, उस समय देश की वैसी व्यवस्था खराब थी, मॉनसून असफल हो रखा था, देश में सूखा पड़ा हुआ था, देश में खाद्यान्न का संकट हो रहा था। इसी टाइम पे फिर पाकिस्तान से युद्ध हो गया 1965 का, 1965 का युद्ध लड़ा तो फिर भारत को नुकसान हुआ। अब भाई हालांकि भारत जीत गया लेकिन नुकसान तो नुकसान ही है, लेकिन खाद्यान्न संकट बना रहा। तब ऐसे में समझ में एक चीज आई कि भाई क्या करें जिससे देश में अनाज का ये जो संकट है ये दूर हो जाए। सरकार सोच रही थी कि क्या करना सही रहेगा जिससे देश में अनाज का जो संकट है दूर हो जाए। तब सरकार ने एक ऐसी नीति बनाई, एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसके जरिए उन्होंने कोशिश की कि देश का खाद्यान्न संकट ठीक किया जाए। तो इसी को हम हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति में क्या क्या हुआ था आपको ये बता देते हैं। देखो हरित क्रांति के तहत सरकार ने किसानों पर ध्यान दिया। किसानों पे ध्यान देने का मतलब है उनको अच्छी क्वालिटी के बीज दे दिए, अच्छी गुणवत्ता के बीज, और सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा दी, उर्वरक दे दिए, किसानों को सपोर्ट कर दिया, ठीक है। ये सारी चीजें कराई गई ताकि देश में क्या हो जाए, खाद्यान्न जो है वो मिले। तो हरित क्रांति से क्या हुआ, लाभ हुआ, लाभ हुआ, लेकिन इससे गेहूं की और चावल की फसल बढ़ी। मेनली तो ये गेहूं की फसल के लिए जाना जाता है, तो गेहूं और चावल का उत्पादन जो था वो बढ़ गया था। इससे क्या हुआ था, इससे कुछ राज्यों का फायदा हुआ, जैसे कि मैं बात करता हूँ पंजाब को फायदा हुआ था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को फायदा हुआ था, ठीक है। इससे जो
तट वाले इलाके थे, तमिलनाडु वगैरह, इनके कुछ हिस्सों में फायदा हो गया, लेकिन सभी जगह इसका फायदा नहीं हुआ। नई तकनीक आई, नई नई सिंचाई की परियोजनाएं चली, इससे फायदा हुआ, धनी किसान धनी हो गए, लेकिन जो भूमिहीन किसान थे उनकी दशा बिगड़ गई। यानी कि कहने का मतलब है कि हरित क्रांति लाई गई, हरित क्रांति जो थी अगर उसको 100% करना था तो वो 100% नहीं कर पाई। लाभ हमें बहुत हुए पर थोड़े बहुत उसके नुकसान भी हुए। तो ये चीजें, नुकसान क्या हुआ, नुकसान यही हुआ कि सभी राज्यों में फसल उत्पादन उतना नहीं बढ़ा। दूसरा क्या था कि सभी किसानों को उसका लाभ उतना नहीं मिला, बस, बाकी तो फायदे ही फायदे हैं इसके। इससे लेवल जो था हमारा काफी सुधर गया था। हरित क्रांति भी अगर हम देखें तो दो तरीके से चलाई गई थी। पहले तो सरकार ने सोचा कि ऐसे किसानों को मदद करो, ऐसे किसानों को मदद करो जिनके पास जरूरत का सामान नहीं है। जरूरत का सामान ना होने का मतलब जैसे उनके पास सिंचाई नहीं, सिंचाई की सुविधा नहीं है, उनके पास अच्छे हल नहीं है, या फिर उनके पास अच्छी क्वालिटी के बीज नहीं है, या फिर उनके पास उर्वरक नहीं है, या उनके पास बेसिक जो सुविधा होती है ये नहीं है। पहले इन पे ध्यान दो, सरकार ने ऐसे किसानों पे ध्यान दिया। बाद में सरकार को ऐसा महसूस हुआ कि अगर हम समृद्ध किसानों को मदद कर दें, समृद्ध किसान जिनके पास ये सारी चीजें हैं, जिनके पास पहले से ये सारी चीजें हैं, अगर हम उन किसानों को मदद कर दें तो उत्पादन जो है वो कम समय में ज्यादा बढ़ाया जा सकेगा। तो सरकार ने दोनों ही तरीकों को हरित क्रांति में अपनाया, पहले स्टेप में ये करा, दूसरे स्टेप में ये करा। देखो फिर क्या हुआ था कि जो हमारी कृषि थी, कृषि का व्यापारीकरण हो रहा था। कृषि का व्यापारीकरण का मतलब है कि हम ऐसी खेती नहीं कर रहे थे, पहले हम ऐसी खेती करते थे जो निर्वाह कृषि होती थी, अपने जीवन को जीने के लिए जो हमें फसलें चाहिए उसे उगाते थे, लेकिन बाद में हमने वाणिज्यिक टाइप की कृषि करनी शुरू कर दी थी जिसमें हमें फसलों को व्यापार के नजरिए से भी उगाना पड़ता था। यानी ऐसी फसलें उगाएं जिसकी दूसरे देशों में डिमांड ज्यादा हो और देश में भी डिमांड ज्यादा हो, जिसको बेच के पैसा कमाया जा सके, लाभ कमाया जा सके, ऐसी खेती भी की जाने लगी। तो ऐसे में मजदूरों की जरूरत थी, तो प्रवासी मजदूर बहुत आ रहे थे। प्रवासी मजदूर का मतलब है कि एक जगह से मजदूर का दूसरी जगह पे पहुंच जाना। तो ये वाला सिस्टम चला। तो जैसे कि बात करें अगर हम पंजाब में हरित क्रांति, पंजाब में आपको पता है हरित क्रांति के क्या प्रभाव हो रहे थे? तो पंजाब में जब हरित क्रांति से लाभ होने लगा वहां पे, तो वहां पे मजदूरों की डिमांड भी बढ़ने लगी। जब मजदूरों की मांग बढ़ने लगी तो अलग अलग जगहों से वहां पे मजदूर आने लगे, और ये पलायन होता है, इसको मौसमी पलायन भी कहा जा सकता है। मौसमी पलायन यानी कि कुछ समय के लिए मजदूर पलायन कर जाते हैं दूसरी जगह पे जाने के लिए, जहां से उनको रोजगार मिल ले, और बाद में वो फिर अपने घर आ जाते हैं। तो ये सिस्टम हुए, और महिलाओं को भी कृषि मजदूरों का स्रोत माना गया क्योंकि महिलाएं भी खेती में योगदान देती थी। तो ये सारी चीजें होने लगा था, ठीक है। कृषि का महिलाकरण भी होने लगा, ऐसा भी कहा जाता है। महिलाकरण क्यों? क्योंकि जब खेती बढ़ रही है, अनाज का उत्पादन बढ़ रहा है, तो आप देखते हो ना गांव में महिलाएं भी खेती में योगदान करती हैं, तो महिलाओं की जो महिलाएं भी जो थी वो खेती में जाने लगी, चाहे वो फसल की बुआई करनी हो, ठीक है, चाहे उसकी कटाई करनी हो, चाहे फसल को दाना पकने के बाद निकालना हो, या एक्स वाई जेड कुछ भी खेती से रिलेटेड कुछ भी करना हो, तो उसमें महिलाएं जो होती थी महिलाएं भी उसमें भागीदारी निभाती थी। तो ये सारे बदलाव आ रहे थे हमारे देश में, ग्रामीण समाज में पहले कैसा था, अब धीरे 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 कैसे होने लगा, हरित क्रांति, जमींदारी व्यवस्था, ये सारे परिवर्तन आपको बताए जा रहे हैं। अब क्या होने लगा, देखो भूमंडलीकरण भी आपको एक टॉपिक समझना है। भूमंडलीकरण का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। आपने वैश्वीकरण नाम से जरूर टॉपिक पढ़ा है, लेकिन कहीं पे भूमंडलीकरण आ जाए तो ये भी वही टॉपिक होता है। उदारीकरण मतलब जो अपनी अर्थव्यवस्था में नई चीजों को अपनाना और थोड़ा सा लचीला बनाना अपनी अर्थव्यवस्था को। तो हुआ क्या कि भारत में भूमंडलीकरण होने लगा था, एमएनसी आने लगी थी भारत में। एमएनसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनियां, या फिर हम इनको बहुराष्ट्रीय निगम भी कहते हैं, ये आने लगी। इन्होंने भारत में किसानों को सुविधाएं देनी शुरू की और इनको कुछ निश्चित फसलें उगाने के लिए प्रेरित किया। निश्चित फसलें समझ रहे हो ना, कुछ ऐसी फसलें जिससे कि इन एमएनसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी फायदा हो जाए, और किसानों को तो पैसा मिलेगा तो किसानों को फायदा तो होगा ही होगा, दोनों को फायदा हो जाए। जब ये मल्टीनेशनल कंपनियां यानी कि बहुराष्ट्रीय निगम किसानों को ये खेती करने का ठेका, समझ लो ठेका दे दिया कि भाई तेरे को ये फसल उगानी है, इसको बोलते हैं संविदा कृषि या अनुबंधित कृषि कह सकते हो। संविदा कृषि होती है ये, संविदा कृषि के तहत उनको कुछ निश्चित फसल उगाने की बात की जाती थी और उसके बदले में उनको सुविधाएं दी जाती थी। तो ये जो कंपनियां होती थी किसानों को कुछ सुविधाएं भी दे देती थी, उसके साथ ही क्या होता था ये मतलब किसान को लुभाती थी। क्या दे के लुभाती थी किसानों को? किसानों को ये दे देती थी कंपनियां, जैसे कि मान लो अच्छी कीटनाशक दे दिए, बीज दे दिए, उर्वरक दे दिए,
इनकी जो जरूरत की चीजें हैं ऐसी चीजों को दे देते हैं। हालांकि ज्यादा कीटनाशकों का प्रयोग करने से जमीन की क्वालिटी खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये संविदा कृषि जो होती है ना, संविदा कृषि में किसान स्वतंत्र नहीं होता कि उसको क्या उगाना है। किसान को जो कंपनी कहेगी या जो जमीन का मालिक कहेगा कि तुझे ये फसल उगानी है, तो किसान को वही फसल उगानी पड़ेगी। तो ये होता था इसमें। ठीक है, पूंजी वगैरह जो लगानी होती थी वो कंपनी जो होती थी वो पूंजी दे देती थी, और अनाज जो होता था कंपनी क्या करती थी, कंपनी एक भरोसा देती थी किसानों को कि भाई तुम इतनी फसल उगाओ, इसको हम एक फिक्स दाम पे खरीद लेंगे, तुम्हें कहीं पे मार्केट में इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा अपनी फसल को बेचने के लिए। तुम फसल को उगाओ, तुम्हारी सारी फसल हम खरीद लेंगे, टेंशन ना लो, सारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। ऐसे होता था संविदा की खेती के तहत किसानों को रोजगार तो मिल जाता था, लेकिन किसान जो होते थे वो अपने जीवन के लिए इन कंपनियों पे, कंपनी पे भी निर्भर हो जाते थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इनको कुछ निश्चित फसलें उगाने के लिए कही जाती थी, जैसे मान लो कोई फूल हो गया या खीरे वगैरह उगाने के लिए कहा जाता था। ठीक है, तो ये चीजें कर दी जाती थी। तो संविदा खेती में एक चीज है जो कीटनाशकों का प्रयोग ज्यादा होता था। जब कीटनाशकों का प्रयोग ज्यादा होता था तो फसल तो अच्छी मिलती थी, फसल में दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे पर्यावरण को नुकसान होता था, ये चीज ध्यान में रखनी है। और दूसरी चीज क्या है, जमीन की जो क्वालिटी होती है यानी कि जमीन की जो उर्वरता क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाती थी, ये नुकसान जरूर होते थे। अब लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, किसान का जीवन। किसान का जो जीवन होता है वो हमेशा दुखों से भरा होता है, आप ऐसा कह सकते हो, क्योंकि किसान को जो काम होता है उसका बहुत मेहनत वाला काम होता है। ठीक है, किसान की जो जिंदगी होती है वो कहीं ना कहीं सिंचाई और इस पे निर्भर रहती है, तो मानसून पे निर्भर रहती है। मानसून, मान लो अगर मानसून अच्छा नहीं होता है तो किसान की फसलें नष्ट हो जाती हैं, फसलें नष्ट होने से किसान डूब जाता है। डूबने का मतलब है कि वो कर्ज ले लेता है, जब किसान बहुत सारा कर्ज ले लेता है और अगर मानसून असफल रहा तो किसान कर्ज को नहीं चुका पाता है, और कई बार ऐसा हो जाता है कि किसान अगर कर्ज को नहीं चुका पाता तो उसे मजबूर होकर आत्महत्या करना पड़ जाता है। इससे किसानों के साथ बहुत गलत होता है। अक्सर हमें ये सुनने में आता था कि इस गांव में इस किसान ने हत्या कर ली, उस गांव में उस किसान ने आत्महत्या कर ली, ऐसी चीजें चलती रहती थी। तो इस चैप्टर में से जो जितनी भी बेसिक चीजें थी मैंने आपको कम से कम 22 मिनट में, हमारी वीडियो खत्म हो रही है, लगभग 22 मिनट में मैंने आपको सारा बेसिक जो इस चैप्टर का है बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दिया है। वीडियो को बिल्कुल ढंग से देख लोगे, उसके बाद एक बार सपोर्टिंग पढ़ लो या एनसीईआरटी पढ़ लो, टॉपिक आपके सारे क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर जब भी हमारा आएगा तो उसमें हम देखेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, प्लीज कमेंट कर दिया करें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।